हरियाणा में हमने 3-4 कदम लिए हैं और इन इन चीजों का लक्ष्य एक ही है, आपके बैंक अकाउंट में पैसा डालना। सबसे पहले महिला शक्ति योजना, 2000 रुपए हर महीने महिलाओं के बैंक अकाउंट में। आजकल गैस सिलेंडर कितने का है, कितने का लगता है गैस सिलेंडर? 1200, 700 रुपए, मतलब 500 रुपए का गैस सिलेंडर लगेगा, 700 रुपए आपके बचेंगे, जेब में 700 रुपए जाएंगे। सामाजिक सुरक्षा, जो ओल्ड पेंशन स्कीम है उसको हम फिर से लागू करेंगे और 6000 रुपए हर महीने के विधवाओं को, बुजुर्ग लोगों को और डिसेबल्ड लोगों के बैंक अकाउंट में जाएगा। युवाओं के लिए सरकार में 2 लाख खाली रोजगार है, 2 लाख पोजीशन, मतलब 2 लाख लोगों के जेब में से नरेंद्र मोदी जी ने पैसा काट रखा है। 2 लाख युवाओं को हम वो सरकारी पोजीशंस देने जा रहे हैं और सबको, हर जात को, सब लोगों को न्याय के साथ, रिस्पेक्ट के साथ ये 2 लाख पोजीशंस दी जाएंगे। सीधा आपके जेब में पैसा जाएगा हर महीने बैंक अकाउंट में। किसान को गारंटीड एमएसपी हरियाणा में, और जो अभी आपका धान नहीं खरीदा जा रहा है, चुनाव खत्म होते ही, कांग्रेस की सरकार आते ही आपके बैंक अकाउंट में धान के लिए पैसा जाना शुरू हो जाएगा। 100 गज के प्लॉट 3.5 लाख रुपए, 2 बेडरूम के मकान के लिए गरीब लोगों के लिए हम देने जा रहे हैं। 300 यूनिट फ्री बिजली और 25 लाख रुपए हेल्थ इंश्योरेंस के लिए हरियाणा की सरकार हरियाणा के गरीब लोगों को देगी।